महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अभी भी निकल नहीं पाया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को सौंपी गई है। नाना पटोले और शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत के बीच उपजे विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बालासाहेब थोराट को जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बालासाहेब थोराट शरद पवार के घर मिलने पहुंचे। यहां सीट शेयरिंग को लेकर उनकी पवार से लंबी बातचीत हुई। थोराट ने कहा कि वे उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उनके बीच मतभेद नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नाना पटोले को हटाकर उन्हें नहीं भेजा गया, बल्कि वो सर्वसम्मति से बातचीत के लिए आए हैं। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच अभी भी निकल नहीं पाया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को सौंपी गई है। नाना पटोले और शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत के बीच उपजे विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बालासाहेब थोराट को जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बालासाहेब थोराट शरद पवार के घर मिलने पहुंचे। यहां सीट शेयरिंग को लेकर उनकी पवार से लंबी बातचीत हुई। थोराट ने कहा कि वे उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उनके बीच मतभेद नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नाना पटोले को हटाकर उन्हें नहीं भेजा गया, बल्कि वो सर्वसम्मति से बातचीत के लिए आए हैं।